बहुत ही सुंदर विषय है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। भाई और बहनों, हमारा प्रेक्षा ध्यान का ये क्रम चल रहा है। प्रेक्षा करते होता देखना, देखना मुख्य होता है, देखने का नाम दृष्टि है। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वो दृष्टि को बदलने का कार्यक्रम है। हम किसी परिणाम को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, परिणाम अलग होता है और उसके बाद में पुरुषार्थ अलग होता है। दृष्टि हमारा पुरुषार्थ है। इस चीज को समझने का है कि ये जो हमारा मन वचन काय रूपी जो शरीर है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जितना स्पान जिसको हम जीवन कहते हैं, प्रतिक्षण हमारे कर्मों का उदय भाव होता है, प्रारब्ध होता है, और वह प्रारब्ध और उदय भाव ही अलग अलग खेल खिलाता है। कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कोई गाली देता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई मारता है, और कभी कभी व्यक्ति विजयी हो जाता है, कभी व्यक्ति हार जाता है। तो ये सारा होता है हमारे कर्मों के अंतर्गत होता है। हम ये पीछे से लेकर के आए हैं, इसमें हम प्रतंत्र, हमारे कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम बीज डाल चुके हैं। पूर्व जन्म ने जैसे जैसे हमने भाव किए, जैसे जैसे हमने कॉजेज डाले, वो हम डाल चुके हैं। इस जन्म में तो हमारे वो जो भाव पिछले जन्म के अंदर किए थे वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन करके आते हैं, और वो कर्म फल देते हैं, उससे हमको कर्म परिणाम मिलता है, और कर्म परिणाम से सुख दुख की अनुभूति होती है। तो एक ये चैप्टर है पूरा। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी जो हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में जो चल रहा है उसको मात्र देखते रहो, उसके साथ जुड़ो मत। देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। इसके लिए ही तो प्रेक्षा ध्यान की हम बात कर रहे हैं। जो हमने एपिसोड लिया है वो भी एक राग द्वेष मुक्त होकर देखें कैसे। हम देखना चाहते हैं लेकिन उसके साथ में हमारा चश्मा लग जाता है। एक की हम लाइक करते हैं, एक की डिसलाइक करते हैं, एक की हम राग करते हैं, एक से द्वेष करते हैं, और एक को अच्छा कहते हैं, एक को बुरा कहते हैं, एक को अनुकूल कहते हैं, एक प्रतिकूल कहते हैं। ये जो चश्मा लग जाता है इसको हटाना है, और इसके साथ में तीसरा नेत्र खोलना है जो कि थर्ड आई कहलाता है, और वो है समता का नेत्र। मतलब दोनों को इक्वल चलो, राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष से ऊपर उठने का मतलब एक समता भाव रखना। तो समता भाव रखना ही हमारा उद्देश्य है, और उसके लिए ही ये सारा एपिसोड किया जाता है, और यही हम समय समय पर दिखाते हैं, और यही हमारा कुदरत का कानून भी यही है कि दृष्टि पुरुषार्थ है। और ये जो चल रहा है ये परिणाम है। ये परिणाम तो आप पिछले जन्म में जैसा जैसा पेपर देकर के आए हो उस पेपर के अनुरूप जो है अब आपकी मार्किंग होती है, आपको रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट को परिणाम कहते हैं। और ये सारा रिजल्ट जीवन भर की फिल्म के साथ मिलता रहेगा। आपको इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसके साथ मत जुड़िए, क्योंकि जितना जुड़ोगे आपके फिर राग द्वेष होगा, फिर राग द्वेष से फिर नए कॉजेज बढ़ेंगे, नए कॉजेज, और वैसे भाव होंगे, जैसा भाव होगा आपका वैसा ही भव होगा। भाव बिगाड़ोगे तो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भव सुधरेगा। इसके साथ जुड़ो मत, और आप तो अपनी दृष्टि में रहो। आप पुरुष बन गए हो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं, और मैं ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, और मैं अशरीरी हूं, मैं अजन्मा हूं, और मन वचन काया और उसकी हर गतिविधि से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो अपने आप को शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। आप हो, लेकिन जब अनुभव हो जाता है तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और जब आत्मा का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है, आत्मा जब टच हो जाता है, आत्मज्ञान मिल जाता है, फिर व्यक्ति को कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। जीवन के सब काम संपन्न हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रश्न ये है कि हम राग द्वेष मुक्त होकर के कैसे देखें, हम भेद विज्ञान कैसे करें। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और ये शरीर तो करने वाला है, भोगने वाला है, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, देखने वाला। ये हम जो है वो भेद विज्ञान करें कैसे, उसके लिए आज हमारा विषय चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। प्रेक्षा करते होता देखना, देखना कैसे कि राग द्वेष मुक्त होकर के। तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 9 चैतन्य केंद्र है। चैतन्य का अर्थ होता है चेतना, जिस जहाँ पर चेतना कंसंट्रेट होती है वो चैतन्य केंद्र, मतलब सेंटर। वो एक ऐसा सेंटर होता है वहाँ पर आत्मा का जो चित्त की शक्ति है वो सघन रहती है।
तो इसीलिए और वहां पर हम अगर मेडिटेशन करते हैं, उस स्थान पर लेश या ध्यान करते हैं, तो बड़ा कारगर होता है और जीवन में एक रूपांतरण आता है, जीवन में एक परिवर्तन आता है, जीवन में शांति आती है, आनंद आती है, बीमारियां ठीक होती है और समस्त समस्याओं का समाधान जो है ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षाओं को करने से होता है। विश्व के अंदर, हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको कि हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेश या ध्यान जो है ध्यान करके उस चीज को नहीं जला सकते। सारी बीमारियों को हम चैतन्य केंद्र के ऊपर जो है ध्यान करके जला सकते हैं, क्योंकि चैतन्य केंद्र पर हमारा प्रभु सघन रहता है, हमारे प्रभु की हाजिरी होती है और जहाँ प्रभु की हाजिरी है वहाँ हमारी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है लीला लहर है। मेरा प्रभु है, जब मैं हाथ हिला रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, मैं इतनी जोर से बात कर रहा हूँ, और प्रभु ना हो तो डॉक्टर कहेगा नाउ इट इज डेड, ये डेड बॉडी है, ले जाइए। जो लोग परिवार वाले लोग आएंगे वो कहेंगे कि भाई जल्दी करो, कीड़े लग रहे हैं, इसका खून सूख गया है, पानी बन गया है और रिलेटिव आ गए हैं, जल्दी करो और उसको लगा करके, और जो है आजकल तो जो सारी इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस हो गई है 10 मिनट में स्वाहा उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो मोल किसका है? मोल चेतना का है। ये तो एक तो माध्यम है, ये तो भुगतान का माध्यम, ये करना पड़ेगा, चाहे आप रोके करो चाहे हंसके करो, क्योंकि आप लेके आए हो, आप बीज डाल चुके हो, ये तो उसका फल मिल रहा है। तो भाई और बहनों, उन चैतन्य केंद्रों की हम बात करते हैं। सबसे पहला चैतन्य केंद्र हमारा जहाँ चोटी होती है शास्त्र सार का, यह ज्ञान केंद्र। अगर यहाँ पर ध्यान किया जाता, हम करके बताएंगे, यहाँ पर ध्यान किया जाता है तो हमारी ज्ञान बढ़ता है, हमारी स्मृति बढ़ती है, और गहराई में जावे तो आत्मज्ञान होता है। जितने भी लोग मुक्त होते हैं वो शास्त्र सार पर ध्यान करके, शास्त्र सार के ऊपर जो है अवलंबन निरालंबन ध्यान करके, और इसीलिए सबसे ऊपर है ये स्थान, सबसे ऊपर क्यों है कि ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है।